हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चल रहे हैं। इसका अनुसरण किया जा सके, हमने हरियाणा में अपने स्तर पर पहली बार बच्चों को टेबलेट देने की योजना बनाई थी। हमने ये भी निर्णय लिया कि विद्यार्थियों को 2G इंटरनेट डाटा फ्री दिया जाए ताकि इस पर होने वाले खर्च का बोझ उनके माता पिता पर न पड़े। इसके लिए 1,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना हमने बनाई, जो पूरे भारत वर्ष में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। ये भी बताना चाहूंगा कि इस समय पूरे संसार में स्कूल शिक्षा में कुल 6 से 7 ऐसे देश हैं जो ब्रिंग योर ओन डिवाइस के नाम से इस योजना को चला रहे हैं। हमने इस योजना को कहा कि वी विल प्रोवाइड यू द डिवाइस टू लर्न। इस प्रकार की हरियाणा ने देश में नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान बनाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस नीति का एक उद्देश्य विद्यार्थियों का कौशल विकास करना है। मेरा मानना है कि हरियाणा के विद्यार्थियों को यदि 21वीं सदी के कौशल में दक्ष बनाना है तो ये सभी तभी संभव है यदि उन्हें पर्सनल डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जाएं। अब स्कूल स्तर पर जिन विद्यार्थियों को डिजिटल एक्सेस मिल रहा है, वे आने वाले वर्षों में IT क्षेत्र में या 21वीं सदी के कौशलों में हाथ आजमाते दिखेंगे। इन कौशलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअली रियलिटी, डाटा माइनिंग, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, कोडिंग, गेमिंग इत्यादि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना अगली 5 वर्षीय योजना का ये लक्ष्य है। इसमें हरियाणा का ये अधिगम प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया है, हम उसे साकार करने के लिए प्रयासरत हैं। ये ई अधिगम पहल इस दिशा में मील का पत्थर है। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से टेबलेट सीधा आपको मिला है। इससे आप ऑनलाइन माध्यम से ग्लोबल परिदृश्य तक पहुंच सकेंगे। इसके लिए आकाश उपलब्ध है, उड़ान भरने की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। यह योजना हरियाणा में सामाजिक बदलाव के लिए भी महत्वपूर्ण पहल है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में बताया है जिससे संसार को बदला जा सकता है। हमने हरियाणा में ई गवर्नेंस के नाते से बहुत से प्रयोग किए हैं और डिजिटलाइजेशन का एक प्रकार का रिकॉर्ड हमारा या भूमि का जो रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन का अथवा परिवार पहचान पत्र बना करके जितनी भी सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, ये साधारण जनता को इसी के माध्यम से दी जा रही हैं। बहुत से पोर्टल बनाए गए हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। और जैसा हमको ध्यान में आता है कि इससे व्यक्ति का समय और साधन ये सब बचते हैं, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगता है, समय पर काम करने में मदद मिलती है, व्यक्तियों को कैसे उनका जीवन सरल हो, ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसके अंदर अधिकतम काम डिजिटलाइजेशन का जो काम है वो ई गवर्नेंस के माध्यम से ये होता है। ह्यूमन इंटरफेस इसमें कम से कम है जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। बंधुओं, हरियाणा की इस योजना से वह हथियार, वह उपकरण आपको दे दिया जा रहा है जो स्वयं को, समाज को, राज्य, देश तथा संसार के साथ साथ ब्रह्मांड को बदलने का काम करेगा। दूध दही का खाना खाने वाला ये प्रदेश, सीधे सीधे बाणे वाला हरियाणवी अब जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान भी कहेगा। मैं आशा करता हूं कि आज आप इस टेबलेट का पूर्ण उपयोग करके और शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को आप छुएंगे। आप विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का आप स्रोत बनेंगे। मैं विद्यार्थियों के अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि अपने अपने बालकों को इस ई अधिगम योजना के माध्यम से मिलने वाला जो टेबलेट है, इसका सदुपयोग करने में ही इनकी सहायता करें। कहीं भी ये बालक इसका दुरुपयोग न कर सके, इसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी ये सब आपकी भी है। मित्रों, आपको सबको इस अवसर का लाभ लेने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं।